हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं। एंड जो हमारी सीरीज चल रही है, अभी मैं आपको बिहार का करंट अफेयर करवा रहा हूं मंथली। रेफरेंस मैंने लिया है यहां पे दृष्टि से, दृष्टि जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, बिकॉज बिहार स्पेशल में ये लोग अच्छा कॉन्टेंट प्रोवाइड कराते हैं। स्पेशली अगर बात करें करंट अफेयर की, तो बहुत ही अच्छा इनका रिसोर्स होता है। इसलिए मेरा प्लान यह है कि बहुत बल्क में तो नहीं, बहुत डीप में लिखते हैं ये लोग, लेकिन मैं उसको शॉर्टेन करके आपको कीवर्ड्स निकाल के दूंगा ताकि आपका काम जल्दी हो जाए। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। हालांकि नॉलेज बहुत डीप भी बुरी नहीं है, लेकिन आपके काम हो जाए वो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज आपकी एनर्जी कहीं और भी लगनी होगी। सो चलिए इसमें कॉन्टेंट देखते हैं। जुलाई जुलाई का है ये, जुलाई 2022 का कंटेंट है ये, ठीक है। बिहार का ये करंट है, ठीक है। अगस्त मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो चलिए कंटेंट देख लो एक बार। इन्हीं सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक सीधे आते हैं हम लोग। पहला जो करंट अफेयर का पार्ट है वो है बिगेस्ट फिजिकल डिफिसिट हुआ है बिहार में। बिगेस्ट फिजिकल डिफिसिट हुआ है बिहार में, क्यों चर्चा में रहा? बिकॉज जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट आया हाउस में, लास्ट डे ऑफ द मॉनसून सेशन ऑफ बिहार असेंबली 30 जून 2022 को, बिहार रिकॉर्डेड ए फिस्कल डिफिसिट ऑफ 29,827 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-2021। इतना बड़ा जो है 29,827 करोड़ का जो है फिस्कल डिफिसिट की चपत लगी है, ठीक है। की पॉइंट्स में देखते हैं, तो ये रिपोर्ट जो है फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है और मार्च 31, 2021 को ये इंड होता है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, फिस्कल डिफिसिट ऑफ बिहार इंक्रीज हो गया है 15,103 करोड़ से लेकर, बढ़ा है, ये डबल हो गया है ऑलमोस्ट। 15,103 से हो गया है 29,827, ठीक है, कंपेयर किया जाए पिछले साल से तो। एंड रेवेन्यू लॉस भी हुआ है मोर देन 11,325 करोड़ का, फर्स्ट टाइम सिंस 2004 एंड 2005, ठीक। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, ड्यू टू इंक्रीज इन टैक्स, फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 रिकॉर्डेड एन इंक्रीज ऑफ 3,936 करोड़, दैट इज 3.17% इन द रेवेन्यू रिसिप्ट ओवर द प्रीवियस ईयर। दिस ईयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैज़ इंक्रीज बाई रुपीज़ 13,476 करोड़, दैट इज 10.69%, मेनली ऑन द अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन कमिटेड एक्सपेंडिचर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस रिपोर्ट के हिसाब से टिल मार्च 2021 जो सरकार है इसने एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा किया था वर्थ रुपीज़ 92,687 करोड़, यूटिलाइजेशन जमा किया है। एंड जो CAG का रिपोर्ट है उसने बोला है कि पेंडेंसी है कहीं ना कहीं ऑफ हाई क्वालिटी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, देर इज़ ए पेंडेंसी ऑफ द हाई क्वालिटी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, इंक्रीज द रिस्क ऑफ मिसयूज ऑफ फंड एंड फ्रॉड। तो कहीं ना कहीं CAG जो है संशय में भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, बिहार गवर्नमेंट नीदर क्रिएटेड ए गारंटी रिडेम्पशन फंड एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ 12th फाइनेंस कमीशन। देखिए 12वीं फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि कहीं ना कहीं आपको रिडेम्पशन फंड बनाना पड़ेगा, और वो नहीं किया है बिहार की सरकार ने, एंड नॉर मेड एनी रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द लिमिट ऑफ गारंटी। चलिए, फिस्कल डिफिसिट बढ़ गया है, डबल टाइप का हो गया है, 29,837 करोड़। नेक्स्ट है, इंक्रीजिंग द आउटब्रेक ऑफ लाइटनिंग इन बिहार। ये काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि लाइटनिंग से बहुत सारा नुकसान हुआ बिहार में, और स्पेशली अगर जमुई भागलपुर पूर्णिया वगैरह टाइप की बात करें। सो न्यूज़ में क्यों रहा? बिकॉज रिसेंटली बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन्फॉर्म दैट लाइटनिंग इज बिकमिंग द डेडलीस्ट एमंग द नेचुरल कैलेमिटीज, ड्यू टू विच अबाउट 2,000 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ इन लास्ट 6 ईयर्स। 6 ईयर्स में 2,000 लोग का मरना कम नहीं होता है लाइटनिंग जैसी चीज़ से। जनरली मैंने तो अभी तक नहीं देखा किसी को लाइटनिंग से मरते हुए, बट है ये, मतलब फैक्ट होता है। मुझे नहीं लगता कि आपने भी देखा होगा, बट ऐसा होता है। मतलब लाइटनिंग से भी 2,000 जाने गई हैं पिछले 6 साल में।
की पॉइंट्स देखते हैं। जम्मू, भागलपुर, पूर्णिया, बांका, औरंगाबाद, गया, कटिहार, पटना, नवादा, रोहतास, ये थोड़ा रीजन आप समझा करो, रीजन कहाँ पे है। अगर बिहार को आप ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है, रफली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, रफली मैं ड्रॉ किया, रफ है भाई, रफ है, इसको ज़्यादा सीरियस मत लेना, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर आएगा वैसे तो। तो अगर बिहार को ड्रॉ करते हैं तो जमुई, भागलपुर, भागलपुर यहाँ पे आता है समवेयर, जमुई भी यहीं पे आता है, पूर्णिया समवेयर इस साइड आता है, बांका समवेयर यहाँ पे आता है इस साइड, एंड औरंगाबाद यहाँ पे आता है, गया इसके आसपास ही है, और कटिहार इस साइड आता है, पटना इस साइड आता है, नवादा इस साइड आता है, एंड रोहतास इस साइड आता है। तो हम देख रहे हैं कि ये वाला रीजन बच जा रहा है, लेकिन इन सारे रीजन में लाइटनिंग हो रही है, ठीक है। तो एक मैप पे भी मैंने आपको दिखाने की, समझाने की कोशिश करी है। हाउएवर दिस टाइम थ्री डिस्ट्रिक्ट, दैट इज पटना, गया, औरंगाबाद हैव बीन पुट ऑन हाई अलर्ट। हाई अलर्ट पर रखा गया था किसको? पटना, गया और औरंगाबाद, आसपास ही पड़ते हैं ये। जैसे आप पटना देखोगे तो यहाँ पे अगर मान लो तो इधर समवेयर गया आ जाएगा, और औरंगाबाद भी इसी के आसपास है इस समवेयर यहाँ पे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटी, द जियोग्राफी ऑफ ए स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर थंडरस्टॉर्म एंड डेथ्स इन द स्टेट, दैट इज़ ड्यू टू द मानसून क्लाइमेट ऑफ बिहार। इट इज़ ससेप्टिबल टू हीट द मॉइस्चर एंड मॉइस्चर ड्यू टू विच थंडरस्टॉर्म अकर इन द स्टेट विथ इंटेंस थंडर एंड हेवी रेन। अवेयरनेस प्रोग्राम्स आर बीइंग रन, ऑब्वियसली इन सब चीज़ों में क्या किया जा सकता है, अवेयरनेस प्रोग्राम ही लाया जा सकता है। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ की गई कि गवर्नमेंट ने एक इंद्र वज्र करके एक लॉन्च किया इन्होंने, पोर्टल इंद्र वज्र करके, विच अलर्ट पीपल थ्रू अलार्म टोन्स एंड मैसेजेस अबाउट 40 मिनट्स बिफोर द थंडरस्टॉर्म। नेक्स्ट है, सेंटर गेव 1,152 करोड़ टू बिहार। क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि चार जुलाई को बिहार पंचायती राज मिनिस्टर सम्राट चौधरी हैं बिहार पंचायती राज मिनिस्टर, ने इन्होंने इन्फॉर्म दैट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन द सेंटर हैज़ रिलीज्ड अ फंड ऑफ रुपीज़ 1,152.60 करोड़ फॉर बिहार। अच्छा, किस लिए भैया? द फंड विल बी यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूला डिसाइडेड बाई ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। इन तीनों को एक फार्मूला बनाना है कि कहाँ खर्च करना है, उसी के हिसाब से इसका खर्च होगा। लोअर लेवल पे डेवलपमेंट के लिए ये लाया गया है। ऑब्वियसली ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद लोअर स्ट्राटा में ही आता है, PRI सिस्टम का पार्ट है। सो बेसिकली बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 बिहार हैज रिसीव्ड ए फंड ऑफ इतना, हमने देख ही लिया, फॉर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अंडर द टाइट ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द फंड हैज़ बीन गिवन टू स्ट्रेंथन 8,067 ग्राम पंचायत, इतने ही है हमारे बिहार में, और 534 पंचायत समिति एंड 38 जिला परिषद, इनको स्ट्रेंथन किया जाएगा। अब वही मिनिस्टर साहब जो हैं सम्राट चौधरी, ही सेड दैट द सेंक्शनड अमाउंट विल बी विदड्रॉन इन फाइनेंशियल 2022-2023, यानी कि इस साल निकाला जाएगा। द ग्रांट रिसीव्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, दैट इज PRI। रेशियो क्या होगा? 70-15-15, यानी कि 70-15-15 के हिसाब से आपका 806.82 ग्राम पंचायत को दिया जाएगा, और 172.89 पंचायत समिति को, और 172.8 के आसपास जिला परिषद को दिया जाएगा। सबसे ज़्यादा दिया जा रहा है किसको? 70% ग्राम पंचायत को। इट इज़ नोन दैट 1 week अगो इन द फ्लाइट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन ₹768.40 करोड़ हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोपोर्शनेटली अमंग द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अंडर द यूनाइटेड हेड एंड इन दिस वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसीव्ड 1,152.60 करोड़ इन टाइड एंड ₹768.40 करोड़ इन यूनाइटेड आइटम्स। बिहार हैज़ रिसीव्ड ए टोटल ऑफ 1,921 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023।
दोनों को जोड़ दोगे तो इतना ही आएगा। चलो ये तो हमने देख लिया कि 1152 करोड़ आया, किस लिए आया, PRI सिस्टम के लिए आया। रेशियो क्या था, 70-15-15 था, ठीक बात है। अब अगला देखते हैं, मेगा स्किल सेंटर्स बिहार में खुलेंगे, क्यों न्यूज़ मेरा, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है बिहार का, इसने प्रिपेयर किया है एक प्रपोजल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेगा स्किल सेंटर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। नोटेबल पॉइंट है यहाँ पे ऑल डिस्ट्रिक्ट, इन ऑल डिस्ट्रिक्ट टू कनेक्ट द यूथ विथ एम्प्लॉयमेंट। देखो जनता को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, स्पेशली यूथ को, और इसके लिए स्किल चाहिए, बिकॉज अगर मान लो स्किल नहीं है तो क्या गोबर काछोगे, कुछ तो चाहिए स्किल, स्किल अगर होगा तो कुछ तो बढ़िया करेगा आदमी, तो इसके लिए ये स्कीम मुझे लगता है बहुत अच्छा है। और इससे एम्प्लॉयमेंट की ट्रेनिंग दी जा सकती है, उसके रिलेटेड ट्रेनिंग। की पॉइंट क्या है भैया, मेगा स्किल सेंटर जो खोले जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में तो खुल ही रहे, पता चल ही गया आपको, इज़ नॉट ओनली विद द यूथ वी ट्रेन अंडर वन रूफ बट ऑल्सो मेक देम सेल्फ रिलायंट बाई गिविंग देम स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग इन द स्किल सेंटर। ये ब्ला 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 बातें वही है कि समझ लो कि सेंटर खुलेगा, वहाँ पे जाओगे और ट्रेनिंग मिलेगा आपको स्किल डेवलपमेंट का, ठीक है। एंड 90 टाइप्स ऑफ ट्रेड्स इसमें, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन हो सकता है, कुछ और ट्रेड हो सकता है, मैकेनिक, कई सारे ट्रेड आप इसमें होंगे। इन द फर्स्ट फेज ऑफ मेगा स्किल सेंटर, सेंटर्स विल बी ओपन इन पटना, नालंदा, दरभंगा, तीन जगह का नाम याद कर लो, पटना, नालंदा, दरभंगा में इनिशियली ये खुल रहा है। एवरी ईयर 2000 to 2500 चिल्ड्रेन विल बी ट्रेंड, अच्छी बात है, 2000 to 2500 चिल्ड्रेन ट्रेंड होंगे, बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं है लेकिन क्या कर सकते हैं, चलो कुछ तो शुरुआत हुआ। दिस सेंटर विल हेल्प द अनएम्प्लॉयड टू गेट एम्प्लॉयमेंट टू ए ग्रेट एक्सटेंट थ्रू वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग इन द स्किल सेंटर। द यूथ विल बी मेड स्किल्ड फॉर अर्निंग। द डिपार्टमेंट ऑफ लेबर इज़ रनिंग द फॉलोइंग प्रोग्राम्स फॉर यूथ, क्या क्या प्रोग्राम कर रहा है, अब इसका थोड़ा सा हाईलाइट देख लीजिए, बिकॉज कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर जो है यूथ के लिए कई सारा प्रोग्राम लिखा है, जैसे कि लार्ज स्केल प्लानिंग फेयर्स, मेला टाइप का लगाएंगे, एंड प्लानिंग कैंप्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन द डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे अवेयरनेस टाइप का है, मेला लगा दो, कैंप लगा दो, है ना, ये पता नहीं कितना बेनिफिट करता है बट लोगों को अवेयरनेस तो हो जाता है। इन डोमेन स्किल्स यूथ आर गिवन वोकेशनल ट्रेनिंग इन द ट्रेड स्पेसिफिक एंड एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट इज प्रोवाइडेड, अच्छी बात है। अंडर द स्किल यूथ प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम है बिहार सरकार का, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जाती है, लैंग्वेज स्किल दिया जाता है, बिहेवियरल स्किल ट्रेनिंग वगैरह यूथ को इम्पार्ट किए जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी है कुछ, जैसे कि ट्रेनिंग फॉर ओरिएंटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज इम्पार्टेड अंडर द प्रधानमंत्री कौशल युवा कार्यक्रम, ये तो सेंट्रल लेवल का है। नेक्स्ट है, ए हाई लेवल सेंटर ऑफ एक्सलेंस इज बींग सेटअप टू इन्हांस द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग इन ITI इंस्टीट्यूट। तो ये कुछ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है बिहार की, वो कुछ इनिशिएटिव बिहार के युवाओं के लिए ये कर रही है। अब हम फिर से अपने मुद्दे पे आ जाते हैं, जो स्किल सेंटर खुल रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, स्किल सेंटर्स फॉर 90 टाइप्स ऑफ ट्रेड ट्रेनिंग इन स्टेट एरोस्पेस एविएशन। देख लो ये कुछ एरिया है जहाँ पे स्किलिंग दी जाएगी एरोस्पेस एविएशन वगैरह में। अब किस तरीके की दी जाएगी एरोस्पेस एविएशन में, पायलट तो बनाया नहीं जाएगा ऑब्वियसली, सबको पता है, बट हाँ उसके टूल्स वगैरह होते हैं, उसकी ट्रॉलियाँ होती हैं एरोस्पेस में, एविएशन में टेक्निकल चीज़ें होती हैं, उसको हैंडल करने की ट्रेनिंग दी जा सकती है। एग्रीकल्चर में भी दिया जा सकता है, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर वगैरह में, फूड प्रोसेसिंग में, ग्रीन जॉब में, हैंडीक्राफ्ट में, हेल्थ केयर में, आयरन और स्टील माइनिंग में, पावर, रबर, टैल्कम एक्सेट्रा, इन सब में कोर्सेज अवेलेबल होंगे युवाओं के लिए। 90 टाइप की ट्रेड ट्रेनिंग होगी मोटा मोटी मिला के, GST यही निकलता है। अंडर द शॉर्ट टर्म कोर्स स्टूडेंट्स विल बी गिवन ट्रेनिंग फॉर मिनिमम ऑफ 300 आवर्स एंड मैक्सिमम 300 से लेकर आपको 1500 घंटे की भी ट्रेनिंग दी जा सकती है, कोर्स पे डिपेंड कर सकता है। कोई कोर्स छोटा होता है जिसमें ट्रेनिंग कम ज़रूरत होती है तो वो 300 में आ सकता है। कुछ कोर्स बहुत ही वास्ट होता है, बहुत ही टेक्निकल टर्म का होता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसमें इंटेंस ट्रेनिंग, ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, उसके लिए उसके जैसे के लिए 1500 का भी प्रावधान है। दीज सेंटर्स विल बी ऑपरेटेड बाई प्राइवेट कंपनी। अब ये एक चोखा बना दिया है इसको, क्या कह सकते हैं, हर चीज़ को प्राइवेट कंपनियाँ ऑपरेट करेंगी, तो चलो कोई नहीं, जनता को कम से कम कुछ तो मिलेगा, एटलीस्ट
एटलीस्ट स्किल तो मिल रहा है प्राइवेट के ही थ्रू। मुझे लगता है कि यहाँ पे सरकारी सेटअप बनाया जाता तो और अच्छा रहता। खैर, बिहार रैंक्ड 7th इन द स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर NFSA। NFSA क्या है? नेशनल फूड सेफ्टी अथॉरिटी बनाई गई है। स्टेट रैंकिंग निकाला गया है, उसमें बिहार का स्थान 7वां रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इन द फर्स्ट न्यूज़ में क्यों रहा? इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ स्टेट रैंकिंग इंडेक्स ऑफ NFSA रिलीज ऑन July 5, 2022, रिसेंटली ही आया है, बिहार इज़ रैंक्ड 7th इन द एंटायर कंट्री। उड़ीसा टॉप पे है, उड़ीसा इसमें टॉप पे है। 7वां भी बुरा नहीं है, इतने सारे स्टेट में 7वां आ जाना भी बुरा नहीं है। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर्स और फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो एक बिहारी ही है, एंड नहीं बिहारी तो नहीं है, पीयूष गोयल हैं एक्चुअली। टेक्सटाइल एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल, एक्चुअली पहले क्या था, यूनियन होम कंज्यूमर अफेयर्स वगैरह पशुपति पारस ने संभाल रखा था, तो इसलिए मैंने बोल दिया। चलो अभी पीयूष गोयल के पास है। ही रिलीज द फर्स्ट एडिशन ऑफ स्टेट रैंकिंग इंडेक्स ऑफ NFSA। सो अमंग द जनरल कैटेगरी स्टेट, जो जनरल कैटेगरी हैं उसमें उड़ीसा तो टॉप पे, अभी हमने डिस्कस भी किया था, उसका स्कोर था 0.836। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है, इसका स्कोर भी देख लो 797 पॉइंट में है, और आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पे 0.794, थोड़ा सा ही अंतर इन दोनों के बीच में। और जनरल कैटेगरी स्टेट में बिहार का तो पता चल ही गया, 7वां रैंकिंग है, इसका स्कोर है 0.783। ठीक है, अच्छा, अब फिर से अगर बात करें स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की, अगर तो स्पेशल कैटेगरी के स्टेट और यूटीज में जो है त्रिपुरा टॉप पे है, और इसका स्कोर 0.788 है, तो बहुत अच्छा स्कोर तो नहीं है, लेकिन इन कैटेगरी में इसका स्कोर ठीक है, नंबर वन पे है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश आता है, फिर सिक्किम आता है। ठीक है, एंड ऑल्सो इन थ्री यूनियन टेरेटरीज की अगर बात करें, वे डायरेक्ट DBT इज़ कैश ड्रिवन, जहाँ पे DBT क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो भी बेनिफिशरी है उसके अकाउंट में सीधा पैसा जाता है DBT के द्वारा। आधार मोबाइल वाला सिस्टम आया था, जैम ट्रिनिटी बहुत पहले आया था 2014 वगैरह में, जैम ट्रिनिटी बोलते थे इसको। ठीक है, जनधन योजना, आधार और मोबाइल नंबर से DBT का ट्रांसफर होता था, तीनों को लिंक करके। सो दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव टॉप स्पॉट में है इसमें, अगर बात करें UTs की। एंड द इंडेक्स सिक्स टू डॉक्यूमेंट द स्टेट स्टेटस एंड प्रोग्रेस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NFSA एंड अक्रॉस द कंट्री एंड वेरियस रिफॉर्म इनिशिएटिव आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। इन हाईलाइट द रिफॉर्म अंडरटेकन बाई स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज एंड क्रिएट क्रॉस लर्निंग, ये सब भी बला बला जरूरी नहीं है, आपको बस याद रखना है बिहार का क्या रैंक है, टॉप पे कौन है, टॉप पे उड़ीसा और बिहार जो है 7th पे है, ये सब पढ़ लेना पढ़ना हो तो। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार राशन कार्ड होल्डर्स विल गेट फ्री ट्रीटमेंट फैसिलिटी। जिसके पास राशन कार्ड होगा वो फ्री ट्रीटमेंट फैसिलिटी भी मिलेगा उसको। क्यों न्यूज़ में रहा? क्योंकि July 8 को बिहार के हेल्थ मिनिस्टर, जिनका नाम है मंगल पांडे, उन्होंने फ्री ट्रीटमेंट अनाउंस किया ऑन द लाइंस ऑफ आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना फॉर ऑल राशन कार्ड होल्डर्स ऑफ द स्टेट एट ए फेलिसिटेशन सेरेमोनी ऑफ फॉर डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स हु एक्सेल्ड अंडर द आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। तो बेसिकली क्या हो रहा था कि फेलिसिटेट कर रहे थे, बधाई दे रहे थे, पुरस्कृत किया जा रहा था डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल्स को जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंडर जो काम कर रहे थे। तो उसी में ये अनाउंस कर दिया गया कि जिसके पास जो है कहीं ना कहीं राशन कार्ड होल्डर जो हैं, जितने भी ऑल की बात की जा रही है, उनको फ्री ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा। चलिए की पॉइंट्स देख लेते हैं। ये ओकेजन था जिसमें 66 डॉक्टर्स ऑफ 5 हॉस्पिटल्स को ऑनर किया गया आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए अंडर आयुष्मान भारत योजना में, और इसी के रिजल्ट में फ्री ट्रीटमेंट भी घोषित कर दिया गया ऑन द लाइंस ऑफ आयुष्मान भारत, अभी हमने डिस्कस भी किया था। 9 करोड़ पॉपुलेशन जो है इसमें, ऐसा माना जा रहा है कि 9 करोड़ पॉपुलेशन जो है इसमें बेनिफिट होगा उनको, एंड दे विल बी गेटिंग कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ ₹5 लाख पर फैमिली पर एनम। 9 करोड़ लोगों को हो रहा है, इसका मतलब जो बिहार में राशन कार्ड होल्डर हैं वो 9 करोड़ हैं, आबादी 11 करोड़ के आसपास है, उसमें 9 करोड़ तो राशन कार्ड होल्डर हैं।
खैर हमारे पास तो नहीं है, खैर मैं इसका विरोध भी नहीं कर रहा हूँ। मिनिस्टर मंगल पांडे इन्फॉर्म दैट एट प्रेजेंट 1.09 करोड़ फैमिलीज इन स्टेट आर लिस्टेड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एज बेनिफिशरी अंडर दिस स्कीम, बट ऑल द राशन कार्ड होल्डर्स विद इन द स्टेट आर नॉट एबल टू बेनिफिट फ्रॉम दिस स्कीम। इसीलिए ये लाया गया है। एंड देर आर अबाउट 1.80 करोड़ फैमिलीज इन द स्टेट हु आर राशन कार्ड होल्डर्स। तो इतने लोग हैं 1 करोड़, लेकिन वहाँ पे देखा था हमने कि 9 करोड़ को दिया जा रहा है, तो राशन कार्ड वाला डाटा के हिसाब से नहीं है वहाँ पे। खैर चलो, 1.80 करोड़ राशन कार्ड होल्डर हैं। देयरफॉर द स्कीम ऑफ गिविंग 5 लाख पर फैमिली पर ईयर टू द रिमेनिंग 70 लाख कार्ड होल्डर्स फैमिलीज हैज़ बिन अप्रूव्ड बाई द कैबिनेट, बाई द कैबिनेट एज ए रिजल्ट ऑफ विच ऑल कार्ड होल्डर्स ऑफ बिहार विल बी बेनिफिटेड। थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट्री हो गया यहाँ पे, बिकॉज़ यहाँ पे बोला गया था कि आयुष्मान भारत, अच्छा ये टोटल इंडिया 9 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ बिहार विल बी कवर्ड बोला गया है। यहाँ पे 9 करोड़ बोला जा रहा है, जब यहाँ पे 9 करोड़ को बोला जा रहा है तो ये बोला जा रहा है आपको पूरे जनता का। मान लो एक राशन कार्ड है किसी के पास, तो पूरे फैमिली में एक ही के पास ना राशन कार्ड होगा, और उस फैमिली में 6 मेंबर हैं, 7 मेंबर है, उस हिसाब से देखा जाए तो टोटल 9 करोड़ पॉपुलेशन जो है इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई होगी आपके। नेक्स्ट है, इट इज़ नोट वर्दी दैट सो फार फॉर 35.38 लाख फैमिलीज एंड 76.25 लाख पर्सन्स, इतनी फैमिली इतनी पर्सन्स, फैमिली और पर्सन में अंतर तो समझ ही रहे होगा, आई होप सो, हैव बीन इशूड आयुष्मान कार्ड्स इन स्टेट अंडर दिस स्कीम 606 गवर्नमेंट एंड 379 नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, दैट इज़ टोटल 985 हॉस्पिटल्स हैव बीन लिस्टेड इन द स्टेट। सो फॉर 4,11,000 फैमिलीज हैव बीन गिवन हेल्थ बेनिफिट्स अंडर दिस स्कीम विथ एन अमाउंट ऑफ मोर देन 429 करोड़। तो एक तो पहली बात ये हो गई कि बिहार में जो टोटल हॉस्पिटल है वो अगर बात करें तो 606 प्लस नॉन गवर्नमेंट वाले जो हैं ये गवर्नमेंट वाले हैं, और 379 टोटल बिहार में 985 हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट होगा अंडर आयुष्मान भारत योजना के तहत फ्री में। अब हम देखते हैं फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट बिहार की। तो ये फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट जो है बिहार में क्यों न्यूज़ में रहे पहले उसको देखते हैं। सो रिसेंटली यूनियन फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर जिनका नाम है पशुपति कुमार पारस, ड्यूरिंग ए मीटिंग विथ बिहार इंडस्ट्रीज मिनिस्टर सैयद शाहनवाज हुसैन टॉक्ड अबाउट ओपनिंग अ फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट निफ्टेम, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट इन इंडिया। बहुत अच्छी बात है, एक्चुअली बिहार क्या है फूड में इसका कहीं ना कहीं प्रोडक्शन तो है, चाहे वो सीरियल्स की बात करें चाहे कुछ और भी चीज़ की बात करें, अगर उसमें प्रोसेसिंग हो जाए थ्रू फूड प्रोसेसिंग यूनिट जिसके लिए इनका सेटअप होना पहले ज़रूरी है, तो कहीं ना कहीं उसमें वैल्यू ऐड होता है। वैल्यू ऐड होगा तो इकोनॉमी ग्रो होगी, फार्मर्स को उसका इनकम अच्छा खासा मिलेगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। की पॉइंट्स देखते हैं, वेरियस स्टेट एस्पेक्ट्स ऑफ सेटिंग अप ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर इन बिहार अंडर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY बोलते हैं, वेयर डिस्कस्ड इन ए मीटिंग बिटवीन यूनियन फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर पशुपति कुमार पारस एंड बिहार इंडस्ट्रीज मिनिस्टर सैयद शाहनवाज हुसैन इन दिल्ली। During this, it was also decided that soon a high-level meeting would be held in Patna between Union Ministry of Food Processing and Industry Department, Government of Bihar. अच्छी बात है, बातें होंगी तभी तो उसका सेटअप होगा, बढ़िया बात है। As well as food processing conclave in the presence of big industries of the sector, Patna. ठीक बात है। Bihar Industries Minister Sayyed Shahnawaz Hussain said that farmers of Bihar can benefit greatly from the agro processing cluster scheme of the Union Food Processing Ministry under the Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana. Achhi baat hai. Besides, setting up food processing unit will generate employment opportunity also. Obviously, agar maan lo kahin pe dhaan ho raha hai ya fir kahin pe maan lo ki gehun ho raha hai. अब हम एक काम करें, यहाँ पे गेहूं वाला जहाँ ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे एक ऐसा FCI बनाए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाएं FPI, जिसमें ये क्या करे, इट गेहूं वाले रीजन से गेहूं ले आए और यहाँ पे इसको पहले फ्लोर बनाए, फ्लोर मिल टाइप का,
फिर ये प्रोसेस करके इसको ब्रेड बना दे, है तो कहीं ना कहीं फायदा तो होगा ही, बिल्कुल फायदा होगा। ये सब होगा किस किस में, संपदा योजना में, PMKSY में। नेक्स्ट आता है 10 acres ऑफ लैंड वुड बी रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर एंड टारगेट वुड बी टू सेटअप एटलीस्ट 5 फूड प्रोसेसिंग यूनिट कॉस्टिंग ₹25 करोड़ और मोर। पूरे बिहार में 5 बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन चलो कुछ स्टार्ट होगा, तो मुझे तो लगता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में दो दो होना चाहिए, तो उस हिसाब से तो 70+ हो जाएगा, 76 के आसपास हो जाएगा। लेकिन अभी ये 5 ही सेटअप कर रहा है, चलो ठीक है, धीरे धीरे और भी आएगा। अकॉर्डिंग टू द प्लान इन ईच एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर द स्टेट एंड सेंटर विल ज्वाइंटली प्रोवाइड ऑल फैसिलिटीज राइट, लाइक रोड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, टेट्रा पैक, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, ये सब होना चाहिए, ये सब मिलेगा भी, और ये जॉइंटली होगा, जॉइंटली इसमें हो किया जाएगा। ठीक बात है, नेक्स्ट देखते हैं। एलिवेटेड कॉरिडोर रोड बनेगा बिहार में, इट विल गेट, इट हैज़ गॉट ग्रीन सिग्नल। जो एलिवेटेड कॉरिडोर रोड बन रहा है बिहार में, इसको ग्रीन सिग्नल मिल गया है। क्यों न्यूज़ में रहा? न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि 15 जुलाई 2022 को नेशनल हाईवे अथॉरिटी, NHAI बोलते हैं इसको, इट टेंडर्ड, मतलब टेंडर जब भी इशू किया जाता है तो उसमें ये बोला जाता है कि भाई ये बनाएंगे, इसके लिए टेंडर इशू किया जा रहा है। सो द टेंडर ऑफ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एलिवेटेड कॉरिडोर फ्रॉम दानापुर रेलवे स्टेशन, याद रखना, दानापुर रेलवे स्टेशन टू ESI मेडिकल कॉलेज बीटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों नाम आपको रट लेना है क्योंकि ये सवाल आएगा आपके एग्ज़ाम में ज़रूर। दानापुर रेलवे स्टेशन से लेकर ESI मेडिकल कॉलेज बीटा तक के लिए ये एक एलिवेटेड रोड है, कॉरिडोर है, और इसको ग्रीन सिग्नल मिल गया है। अंडर दिस प्रोजेक्ट 21 किलोमीटर लॉन्ग एलिवेटेड कॉरिडोर इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड। अब थोड़ा की पॉइंट्स इससे रिलेटेड देख लेते हैं। ए लिंक रोड हैज़ ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड फॉर बीटा एयरपोर्ट अंडर दानापुर बीटा एलिवेटेड कॉरिडोर, ठीक है। इन एडिशन टू बाईपास, बाईपासेज आर टू बी कंस्ट्रक्टेड एट नौरागंज, पनाल, कन्हौली और बिशुनपुरा। द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिगेस्ट एलिवेटेड कॉरिडोर ऑफ बिहार, ये बिहार का बिगेस्ट है, विल बी डन एट अ कॉस्ट ऑफ 3737, ये डाटा याद करने लायक है, 3737। खैर ये नहीं पूछेगा, कोई ये बजट नहीं है। द एंटायर लेंथ ऑफ एलिवेटेड रोड इज 21 किलोमीटर। द 4 किलोमीटर रोड अप टू कोइलवर ब्रिज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। चलो कोइलवर ब्रिज कहाँ पे है? सोन नदी पे भैया, ये भी याद रखना। ट्रैफिक यूजिंग दिस एलिवेटेड कॉरिडोर फ्रॉम पटना विल गेट इट्स वे टू बीटा एयरपोर्ट थ्रू ए टनल, एक टनल जैसा बनेगा। ए रैंप विल बी कंस्ट्रक्टेड फॉर द एलिवेटेड कॉरिडोर फ्रॉम द सगुना बेंड एंड अंडर पास एंड 4 ब्रिजेज विल बी कंस्ट्रक्टेड बिटवीन बीटा एंड कोइलवर। इट इज़ नोटवर्दी दैट द प्रोजेक्ट ऑफ एलिवेटेड कॉरिडोर इज पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर पैकेज 2015 अनाउंसड फॉर बिहार, बताओ वे बैक। फॉर दिस द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ एक्वायर्ड लैंड फ्रॉम इट्स ओन अमाउंट एट अ कॉस्ट ऑफ 456 करोड़ इन एक्सचेंज फॉर रेलवे लैंड लोकेटेड एट दानापुर। द स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड लैंड इन साउदर्न पार्क ऑफ हार्डिंग पार्क, अच्छी बात है। अगला है क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब लाया गया है, क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब। क्यों न्यूज़ में रहा? क्योंकि 17 जुलाई 2022 को बिहार के इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर नीरज कुमार सिंह ने इनॉग्रेट किया क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब एट पटना जू। पटना जू में ये खुला है, इंपॉर्टेंट क्या है, पटना जू में खुला है, कहाँ खुला है, पटना जू, याद कर लो इसको। और इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो है बिहार के, उनका भी नाम याद कर लो, नीरज कुमार सिंह। दिस इज़ टू स्टडी द क्लाइमेट चेंज टेकिंग प्लेस इन बिहार, अच्छा ठीक बात है। की पॉइंट्स देख लेते हैं। ये जो लैब है ये इस्टेब्लिश किया गया है GIZ के द्वारा। GIZ एक ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन एंड जर्मनी के बिहाफ पे, बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल काउंसिल ने इसको सेटअप किया है। सच ए लैब हैज़ बीन इस्टेब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम इन बिहार, तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है। सो द लैब विल मेक जनरल पब्लिक स्पेशली स्कूल चिल्ड्रेन अवेयर ऑन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, यही होता ही है, अवेयर किया जाता है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है बिहार के अरविंद कुमार चौधरी सेड दैट
इट इज़ इंडेवर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू अचीव द टारगेट ऑफ जीरो कार्बन इमिशन इन द स्टेट बाई ईयर 2040। अच्छी बात है, 2040 तक बिहार में टारगेट लिया गया है कि जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट लिया गया है, और ओवरऑल इंडिया ने टारगेट लिया है नेट जीरो का 2070 का, नेट जीरो कार्बन इमिशन 2070। तो ये भी याद रखना है, बिहार का क्या टारगेट है, 2040 तक का टारगेट। अगला देखेंगे, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको बोलते हैं बियाडा, क्यों न्यूज़ में रहा इसको थोड़ा देखते हैं। बियाडा न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि कैबिनेट मीटिंग हुई जिसे चीफ मिनिस्टर साहब ने चेयर किया 19 जुलाई को, और डिसीजन लिया गया कि डिस्काउंट दिया जाएगा 20-80% ऑन द लीज अमाउंट ऑफ लैंड ऑफ बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बियाडा। दिस विल बूस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द बिहार एंड इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट। तो लीजिंग, लैंड एंड लीजिंग टाइप की ये पॉलिसी लाई गई है, 20-80% का उसमें क्या दिया जा रहा है, उसमें दिया जा रहा है आपको लीज अमाउंट दिया जा रहा है। की पॉइंट क्या है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो थे बिहार के कैबिनेट डिपार्टमेंट के एस सिद्धार्था, ही सेड आफ्टर द मीटिंग दैट बियाडा गिव्स लैंड टू एंटरप्रेन्योर्स। बियाडा जो है लैंड देगा एंटरप्रेन्योर्स को लीजिंग पे फॉर 90 ईयर्स टू सेटअप इंडस्ट्रीज। ठीक बात है, एट प्रेजेंट द रेट ऑफ लैंड इज ऑन द बेसिस ऑफ MVR, and now the state government will give discount of 20-80% on the land lease। बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है, ताकि ये इसलिए दिया जा रहा है ताकि कहीं ना कहीं जो प्रमोशन है इंडस्ट्रीज़ का वो हो सके, एंड 54 इंडस्ट्रियल एरियाज जो है बिहार के उस एरिया में ये डिस्काउंट मिलेगा। द गवर्नमेंट्स मूव विल इनेबल एंटरप्रेन्योर्स टू गेट लैंड एट चीपर रेट टू सेटअप इंडस्ट्रीज़। क्या बात है, सस्ते दाम पे लैंड लो, इंडस्ट्री लगाओ, इंडस्ट्री चले चाहे ना चले, लैंड तो मिल गया आपको 99 साल के लिए। दिस विल प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द स्टेट एंड देयर विल बी इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद द इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये सब तो कहानी है, चलो कोई बात नहीं। एट प्रेजेंट 74 इंडस्ट्रियल जोन्स ऑफ बियाडा आर फंक्शनिंग इन द स्टेट। कितने हैं टोटल, 74 इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, एंड 2900 acres ऑफ लैंड ऑफ क्लोज्ड शुगर मिल्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू बियाडा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडस्ट्रियल एरिया। 2900 acres, बहुत लैंड होता है ये शुगर मिल्स जो हैं उन्होंने दिया है बियाडा को। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन द डिस्ट्रिक्ट वेयर बियाडाज लैंड MVR हैज़ बीन गिवन 80% डिस्काउंट आर गोपालगंज हथुआ, यहाँ पर चीनी मिल है, Phase 1 and Phase 2, सिवान Phase 1 and Phase 2, औरंगाबाद, रोहतास, विक्रमगंज एरिया, बक्सर का डुमराव, गया इट्सेल्फ एंड गुरारू ऑफ डिस्ट्रिक्ट जमालपुर एंड मुंगेर एरिया ऑफ मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, रामनगर ऑफ वेस्ट चंपारण, झांझरपुर ऑफ मधुबनी एंड सो ऑन दीज एरियाज। ठीक है, ये सब एरिया में ये हो रहा है। सिमिलरली द डिस्ट्रिक्ट वेयर MVR ऑफ बियाडा लैंड हैज़ बीन रिलैक्स्ड बाई अप टू 60% इंक्लूड बेतिया पड़ता है वेस्ट चंपारण में, डेहरी पड़ता है रोहतास में, बिहिया पड़ता है भोजपुर में, जहानाबाद का तो आप जानते ही होंगे, बीटा, सिवान, सकरी पड़ता है मधुबनी में, सीतामढ़ी, फिर धर्मपुर इन दरभंगा एंड कटिहार एंड खगड़ा एरिया ऑफ किशनगंज। तो यहाँ भी ये सब दिया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस अप टू 40% डिस्काउंट विल बी अवेलेबल इन, तो पहले हमने देखा 80% कहाँ देखा, गोपालगंज एरिया, सिवान एरिया एंड सो ऑन, फिर हमने देखा 60%, अब आ गए 40%। 40% जो डिस्काउंट है वो एरिया रहेगा बुरारी भागलपुर का, बानमखी पूर्णिया का, पूर्णिया सिटी, डोनार, बेला, दरभंगा, रक्सौल, हाजीपुर, बरून, औरंगाबाद, बक्सर और लखीसराय वगैरह एरिया रहेगा। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इतना घुस के नहीं पूछेगा, बस आपको पता होना चाहिए कि 20-80% तक का डिस्काउंट दे रही है बियाडा अपने लैंड जो देगी एंटरप्रेन्योर्स को, इतना ही याद तक कर लोगे तो काम चल जाएगा। फिर भी मरंगा, पूर्णिया, फॉरबिसगंज ऑफ अररिया, लोहात Phase 1 and 2, 3 ऑफ मधुबनी, सुगौली, मुजफ्फरपुर, कोरा फिर चंपारण, गुरौल Phase 1 and 2 ऑफ वैशाली, हाजीपुर, फतुहा, पटना डिस्ट्रिक्ट, पाटलिपुत्र, नवा नगर ऑफ बक्सर, नवादा वारसलीगंज,
सीता कुंड मुंगेर में पड़ता है, खगड़िया वगैरह भी, इन सब जगहों पे मिलेगा 20% का डिस्काउंट। तो मतलब 20 से लेकर 80% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। चलिए अगला पॉइंट है, बिहार गवर्नमेंट विल गिव डीजल सब्सिडी टू फार्मर। तो ये तो पुरानी बात है, पहले भी देती थी, अभी भी दे ही रही है। डीजल सब्सिडी मिलेगा फार्मर्स को, क्यों न्यूज़ में आया? क्योंकि जुलाई 2022 को कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसको चीफ मिनिस्टर साहब ने ही चेयर किया, और इन्होंने एक अप्रूवल दे दिया प्रपोजल को जो स्टेट गवर्नमेंट ने दिया था कि भाई डीजल सब्सिडी दिया जाए फार्मर्स ऑफ स्टेट को। तो इसमें कितना डीजल सब्सिडी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको जानना ही चाहिए। की पॉइंट क्या है, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में टोटल 29.95 करोड़ का को सैंक्शन किया गया एडवांस के तौर पे बिहार स्टेट कंटीजेंसी फंड से, ताकि फार्मर्स को ग्रांट किया जा सके 60 रुपीज़ पर लीटर रेट पे डीजल, 60 रुपये पर लीटर के रेट पे डीजल इनको मिलेगा फार्मर्स को, और काफ़ी सस्ता हो जाता है। मतलब अगर ऐसे देखा जाए तो 80-85-90 तक तो होगा ही डीजल, अभी इसको 60 रुपये अगर मिल जाए किसानों को तो बहुत अच्छी बात है। 1 एकड़ अगर कोई कंज्यूम करता है, 1 एकड़ जिसके पास लैंड है और उसमें 1 एकड़ में 10 लीटर ऐसा माना जाता है कि डीजल खपत होगा इरिगेशन में, खरीफ क्रॉप की बात करें स्पेशली, तो उस बेसिस के हिसाब से फार्मर को जो दिया जाएगा 600 रुपये पर एकड़, यानी कि 600 रुपये पर एकड़ उसको सब्सिडी ही दे दिया जाएगा। 60 रुपये पर लीटर डीजल के हिसाब से उसको 600 रुपये मिल जाएगा, ठीक है, ताकि वो अपना 10 लीटर खर्च करके अपने 1 एकड़ को सिंचित कर सके। द ग्रांट अमाउंट विल बी लिमिटेड टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 एकड़। तो 1200 रुपये दिया जाएगा जिसके पास 2 इरिगेशन करना है, जूट लगा रखा है, बर्च लगा रखा है, जूट के लिए मैक्सिमम जो है 1200 एकर्स फॉर सेविंग द बर्च एंड 2 इरिगेशन ऑफ जूट, ये दिया जाएगा 1200, एंड ए मैक्सिमम ऑफ 1800 पर एकर फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 1800 पर एकर फॉर ए मैक्सिमम ऑफ इरिगेशन फॉर ए फील्ड ऑफ पैडी, ये 2 बार रिपीट हो गया, पैडी मेज खरीफ क्रॉप फॉर पल्सेज ऑयल सीजनल वेजिटेबल मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट। मोटा मोटी ये है कि 1 एकड़ के लिए, 1 सिंचाई के लिए 10 लीटर माना जाता है, तो 600 रुपये दिया जाएगा। अगर वो जूट लगा दिया है उसने, मान लो किसी किसान ने, तो जूट को तो भैया 2 सिंचाई चाहिए, तो उसको 1200 रुपये दे देंगे 1 एकड़ के लिए। मैक्सिमम एरिया 5 एकड़ तक दिया जा सकता है, जिसके पास 5 एकड़ ज़मीन है उसको सरकार क्या करेगी, बिहार सरकार 3000 रुपये दे देगी कि भाई सिंचाई करो। अच्छा, एक चीज़ और है कि मान लो अगर आपके पास कुछ ऐसा पैडी लगा रखा है, मेज लगा रखा है, खरीफ क्रॉप जैसे पल्सेस वगैरह लगा रखे हैं, मेडिसिनल या एरोमेटिक प्लांट, तो 1800 रुपये भी दिया जा सकता है 3 इरिगेशन के लिए। तो अब डिपेंड करता है कितने इरिगेशन है, 1 इरिगेशन के लिए 1 एकड़ में 600 रुपये दिया जाएगा। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स आया 2021 का, न्यूज़ में क्यों रहा, क्योंकि बिहार का जो रैंक था अच्छा नहीं था, 15वां रैंक आया 17 मेजर स्टेट में, ऑलमोस्ट नीचे ही है बिल्कुल। एंड इन द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा, ये इसके वाइस चेयरमैन सुमन बेरी के द्वारा 21 जुलाई 2022 को ये रिलीज़ किया गया। की पॉइंट क्या है यहाँ पे, की पॉइंट है कि भैया नीति आयोग का ये 3rd इंडिया इनोवेशन इंडेक्स था, स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज दोनों इसमें शामिल थे, 17 मेजर स्टेट में कुछ स्टेट को बांटा गया था, 10 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रखे गए थे और हिली स्टेट, और 9 यूनियन टेरेटरीज एंड सिटी स्टेट को रखा गया था। 17 मेजर वाले में कर्नाटक टॉप पे रहा इनोवेशन में 18.01 पॉइंट्स के साथ, तेलंगाना दूसरे पे, और तेलंगाना इज सेकेंड एंड हरियाणा जो था वो 3rd पे था। इसी में उत्तर प्रदेश 7वें नंबर पे था, उड़ीसा 16वें पे और छत्तीसगढ़ 17वें पे, मतलब लास्ट पे, ठीक है। बिहार का रैंक था 15वां, मतलब उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से ऊपर था। तो आपको मोटा मोटी याद ही रखना है कि टॉप पे कौन था, टॉप पे कर्नाटक था, लास्ट पे कौन था, छत्तीसगढ़ था, इंडिया बिहार का रैंक क्या था, 15वां था। कितने मेजर स्टेट थे, 17, ठीक है। कुछ और भी देख लो इसमें, मणिपुर ने टॉप किया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, हिली नॉर्थ ईस्टर्न कैटेगरी वाले में मणिपुर टॉप कर गया, उत्तराखंड को मिला 2रा पोजीशन, नागालैंड को, नागालैंड था बॉटम पे बिल्कुल, इसमें
इसमें था ये नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट में, नागालैंड बॉटम पे था। ऑन द अदर हैंड द यूनियन टेरेटरी एंड सिटी स्टेट कैटेगरी में चंडीगढ़ टॉप पे रहा एंड लद्दाख जो था इसका लास्ट पोजिशन था। इट मे बी मेंशन दैट इंडिया इनोवेशन इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाई नीति आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग ने निकाला था ये। द इनोवेशन इंडेक्स हैज़ बीन प्रिपेयर्ड ऑन द लाइन्स ऑफ द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इन प्रीवियस वर्जन द एनालिसिस वॉज डन ऑन द बेसिस ऑफ 36 इंडिकेटर्स, बट दिस टाइम 66 इंडिकेटर्स वेर यूज। द फर्स्ट एंड सेकेंड इनोवेशन इंडाइसिस वेयर रिलीज इन द अक्टूबर 2019 एंड जनवरी 2021। देखते हैं नया रेलवे है, न्यू रेलवे जंक्शन बनेगा भोजपुर में। क्यों न्यूज़ में रहा? क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ने 61 किलोमीटर का काम निकाला है, प्रीलिमिनरी सर्वे किया है लॉन्ग आरा बलिया ट्रेन रूट का। एंड ऑल्सो ए प्रपोजल हैज बीन सेंट टू मेक जगजीवन हॉल्ट नियर द आरा जंक्शन ए न्यू हॉल्ट। जगजीवन हॉल्ट बनाया जाएगा, आरा के पास ही एक नया हॉल्ट बनेगा, तो इसलिए ये न्यूज़ में रहा। की पॉइंट क्या है? दिस इन्फॉर्मेशन वॉज गिवन बाई लोकसभा MP फ्रॉम बलिया वीरेंद्र सिंह ने ये दिया। ही सेड दैट 61 किलोमीटर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रीलिमिनरी सर्वे ऑफ लॉन्ग आरा बलिया ट्रेन रूट द रेलवे बोर्ड हैज़ गिवन परमिशन टू प्रिपेयर DPR, दैट इज डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। DPR क्या होता है? DPR में क्या होता है कि मान लो कोई काम है कि भैया रेलवे स्टेशन बनानी है कहीं पर, तो उसमें क्या है खर्चा वर्चा, कितना लेबर लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा, सब कुछ उसमें लिखा जाता है, मेंशन किया जाता है, एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसे हम DPR कहते हैं। फॉर दिस न्यू रेलवे लाइन इसमें सब मैपिंग वैपिंग सब कुछ होता है, तो इंजीनियर टर्म है ये, लेकिन चलो मुझे पता था तो मैं बता दिया। अलॉन्ग विद दिस ए प्रपोजल हैज़ बीन सेंट टू डेवलप जगजीवन हॉल्ट नियर आरा जंक्शन इन भोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एज ए रेलवे जंक्शन। द टोटल लेंथ ऑफ प्रपोज आरा बलिया रेल लाइन प्रोजेक्ट बाई नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे 61.693 किलोमीटर एंड दिस विल बी देर विल बी ए टोटल ऑफ 10 हॉल्स एंड स्टेशन इन दिस रूट। ये कुछ कुल 61 किलोमीटर में 10 हॉल्ट होंगे आरा से बलिया के बीच में, ठीक है, आरा से बलिया के बीच में। सो द न्यू रेलवे लाइन विल क्रॉस गंगा नियर नैनी जोर इन बक्सर डिस्ट्रिक्ट वाया मसाद धमार उमरावगंज एंड धामवाल इन भोजपुर डिस्ट्रिक्ट एंड ज्वाइन छपरा वाराणसी रेल लाइन नियर बलिया वाया कठी कृपालपुर हल्दी सुहिलपुर इन उत्तर प्रदेश। ए न्यू रेल ब्रिज विल बी बिल्ट ऑल्सो बिल्ट ऑन द रिवर गंगा ऑन दिस रूट। विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रेलवे लाइन द डिस्टेंस बिटवीन आरा इन बिहार एंड बलिया टाउन इन उत्तर प्रदेश इज 36 किलोमीटर रिड्यूस होके हो जाएगा। इट विल बी रिड्यूस्ड एंड पीपल ऑफ भोजपुर डिस्ट्रिक्ट विल बी एबल टू गेट ए डायरेक्ट ट्रेन टू बलिया, अच्छी बात है। दिस विल ऑल्सो रिड्यूस द ट्रैवल एक्सपेंसेस। हिस्टोरिकल चामुंडा प्लेस एट मुजफ्फरपुर एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्यों न्यूज़ में रहा भैया? न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि रिसेंटली जो है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जिनका नाम है कनवाल तनुज, ही हैज सेंट ए लेटर टू DM ऑफ मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट प्रणव कुमार टू डेवलप द चामुंडा टेम्पल एट कटरा ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाई डिपार्टमेंट। तो ठीक है, ऐसा होना भी चाहिए, कोई अच्छा टेम्पल है तो उसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दो। वही बात है, इट इज़ नोन एज टोटल 70 पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ द कंट्री हैव बीन इंक्लूडेड इन द प्लान टू डेवलप रिलीजियस एंड पिलग्रिमेज प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस इन द फॉर्म ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस। इसी के तहत ये किया जा रहा है। दीज इंक्लूड चामुंडा टेम्पल एमंग द 4 टेम्पल्स ऑफ बिहार। दीज आर टू बी डेवलप्ड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल इन्हेंसमेंट ड्राइव, दैट इज प्रसाद। क्या ये पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल इन्हेंसमेंट ड्राइव? इट इज नोटवर्दी दैट इन ऑर्डर टू इंक्रीज टूरिज्म द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द प्रसाद स्कीम। अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट दिस विल ऑल्सो लीड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, अच्छी बात है। इट इज़
टू बी नोटेड दैट चामुंडा प्लेस इज जस्ट 100 यार्ड्स अवे फ्रॉम द कटरा ब्लॉक हेडक्वार्टर. दिस एरिया स्प्रेड ओवर 80 एकर्स ऑफ द लैंड इज कॉल्ड कटरागढ़. ऑन द माउंड ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट इज ए ग्रांड टेम्पल. तो भैया प्रसाद स्कीम के तहत इसको डेवलप किया जाएगा, मोटा मोटी इतना ही जान लो. मुजफ्फरपुर में है चामुंडा टेम्पल. पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स इन बिहार टू हैव लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइसेस. बहुत अच्छी बात है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो ऐसे ही बुरा हाल है बिहार में. मुझे तो मिलता नहीं है कभी, मैं जाता हूँ तो. मिलता भी है तो वो भी प्राइवेटली, प्राइवेट वाले ही उसको मैनेज करते रहते हैं. आपको टिकट नहीं देगा, आप घुसोगे आप पैसा ले लेगा, टिकट नहीं देगा. आप मांगोगे टिकट तो बोलेगा कि मशीन ख़राब है, ये है वो है, तमाम गीत गा देगा. बोलेगा ठीक है दे दे रहे हैं, और फिर वो देगा ही नहीं. आप उसके पीछे पीछे घूमते रहो, लड़ाई तक हो जाती है. तो ये तो खैर ग्राउंड रियलिटी है, कोई बात नहीं. बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुद्दे पे आते हैं. व्हीकल्स इन बिहार टू हैव लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइसेस. अच्छा लगता है ये सब सुन के, बहुत अच्छा लगता है. भले इसका मज़ा मिले चाहे ना मिले. क्यों न्यूज़ में रहा? क्योंकि 28 जुलाई 2022 को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ बिहार ने इशू किया एक ऑर्डर टू इंस्टॉल व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTDs एंड इमरजेंसी बटन्स इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट. की पॉइंट्स क्या है? की पॉइंट है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ बिहार हैज़ मेड इट मैंडेटरी फॉलोइंग ए डायरेक्टिव फ्रॉम यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज. अलॉन्ग विद दिस इंस्ट्रक्शंस हैव बीन इशूड टू इंस्टॉल पैनिक बटन इन स्कूल बसेस फॉर सेफ्टी ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स. एज पर द ऑर्डर इशूड बाई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, इट हैज़ बिकम मैंडेटरी टू इंस्टॉल VLTD एंड इमरजेंसी बटन इन ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रेन्स. पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेज होना चाहिए, ट्रेन्स लिखा है रजिस्टर्ड बिफोर January 2019. बाई अगस्त इट विल ऑल्सो बी मैंडेटरी फॉर ऑल प्राइवेट बसेज टू हैव VLTD एंड इमरजेंसी बटन्स. 3 एजेंसीज हैव बीन सेलेक्टेड फॉर दिस इक्विपमेंट टू बी इंस्टॉल इन ट्रेन्स फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन्स. इट मे बी रिकॉल्ड दैट द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इनॉग्रेटेड द कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ए फ्यू मंथ्स अगो, फ्रॉम वेयर ऑल द ट्रेन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट दैट इज बस, देन बस, कैब, टैक्सी को भी मोनिटर किया जाएगा अपार्ट फ्रॉम ट्रेन्स. If women or girl traveling in public vehicle press the emergency button in view of the danger, an alarm will be sounded in control and command center, after which police will immediately reach for help. Apart from this, command and control center will also receive alert of emergency alert and over speeds and equipments in tempered or broken. With the help of this, the command and control center will also get real-time information of the location of vehicle. Vehicle owners can also find out the real-time status of their vehicles with the help of this software. तो अच्छी बात है. So इतना ही था इसमें दोस्तों, इतना ही बहुत था. ये 48 मिनट का वीडियो बना, लेकिन इम्पॉर्टेंट था दोस्तों. इससे एक सवाल आपके आएंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट दृष्टि का रिसोर्स हो जाता है. मैं 12 महीने का तो कवर करूँगा ही करूँगा. मिलेंगे अगले वीडियो में. चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए. बाय बाय.